नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सड़कों पर आवाजाही करने वालों को एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। भिलाई शहर की कई सड़कें अब रोप लाइट से जगमगा रही है। सफेद रोशनी से राहगीरों को आवाजाही में भी आसानी हो रही है, साथ ही सड़कों की सुंदरता में भी चार चांद लग गए हैं। महापौर नीरज पाल के प्रयासों से वैशाली नगर क्षेत्र के सभी प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। इसकी विस्तृत रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निरीक्षण के दौरान आकर्षक रोप लाइट लगाने के निर्देश अधिकारी को दिए थे। अब भिलाई की सड़कें इससे रोशन हो रही हैं। फिलहाल नेहरू नगर चौक से सूर्या मॉल चौक तक के पोल पे रोप लाइट लगाई गई है। यही नहीं, कैंप क्षेत्र के 18 नंबर रोड में भी रोप लाइट अपनी चमक दिखा रहा है। लाइट लगाने का काम अन्य सड़कों पर भी किया जा रहा है। देखिए, रोप लाइट लगाने के ही उद्देश्य है कि जो सड़क है उसका सौंदर्यीकरण की दिशा में जो है निगम काम कर रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है वो लाइटें लगाई जा रही हैं और बड़ा आकर्षक जो है वो नज़ारा रात में देखने को मिल रहा है। इसके तहत में भी प्रारंभिक चरण में जो है वो प्रथम नेहरू नगर चौक से सूर्या मॉल चौक तक का जो रोड है उसमें लाइटें लगाई जा चुकी है। इसके अलावा जो 18 नंबर रोड है उसमें रोप लाइट लगाई जा चुकी है। तो ये इसका उद्देश्य यही है कि सौंदर्यीकरण की दिशा में जो है निगम जिस तर्ज पर काम कर रहा है उसी तर्ज पर जो है लाइटों का लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। शुरुआती दौर में शहर की प्रमुख सड़कों पर रोप लाइट लगाई जा रही है। इसके बाद पूरे भिलाई शहर की अंदरूनी सड़कें भी इस रोप लाइट से जगमगाएंगी और भिलाई शहर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।